हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट। हमें पहले क्या 34 × 45 करना है, 3, 4 × 4 and 5। अब पहले हमें 5 की टेबल बोलनी 4 तक, फिर इसी 5 की टेबल 3 तक बोलनी, फिर हमें दूसरे लाइन पे 4 की टेबल 4 तक बोलनी और 4 की टेबल 3 तक बोलनी। तो अगर मैं देखूँ 5 का टेबल अगर आपको होता तो 5 × 4 कितना होता, 20 होता। तो हम पूरा 20 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 वंस वाली डिजिट की तरफ ही, ठीक है। और टू कहाँ होगा, कैरी। 5 × 3 कितना होता, 5 × 3 कितना होता, 15। 15 में अगर मैं 2 प्लस करूँ 16, 17 हो जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले के नीचे क्रॉस। अब 4 × 4 कितना होता, 16, 16 का 6, कैरी 1। और 4 × 3 कितना होता, 12, 12 और 1 13, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, 0 का 0, 6 और 6 12 एंड 13, एक कैरी थी 13, ठीक है। एक ये 6 6 6 7 13, ठीक है। 3 1 4, एक कैरी 5 और 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे मुझे 4 की टेबल कहाँ तक बोलनी, 6 तक बोलनी। तो 4 6 कितना होता, 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 कैरी 2। अब 4 7 कितना होता, 4 7 होता है 28, और उसमें कैरी कितनी थी, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में क्रॉस। 3 6 18, कैरी 1, 3 7 21 और कैरी 22। 4 का 4 8 का 8, 3 2 5 और ये 2, ये प्लस करना है हमें, सिंपली प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 4 12, 12 का 2 और 3 8 24, एक कैरी थी 25, क्रॉस। 4 4 16, अब 4 की टेबल दोनों तक, 16 कैरी 1। 4 8 32, 8 33, प्लस 2 का 2, 5 और 6, 11 का 1, कैरी 1, 2 1 3 और 3 6 और ये 3, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ हो जाएगा 0 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ में तो 0 आते हैं, 0 का 9 के साथ 0 0 8 के साथ 0, क्रॉस। 2 9 18, कैरी 1, 2 8 16, 1 17, ठीक है। 0 का 0, 8 और 0 8, 7 1। तो इस ढंग से हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू।